नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहले वह देख लेते हैं। प्रश्न है कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। उसने हमसे पूछा है कि 50 तक जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनका औसत निकालिए। तो 50 तक सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहले वह देख लेते हैं। तो संख्याएं होंगी, पहली होगी 2, दूसरी होगी 4, फिर होगी 6 और ऐसे ही मिलाते हुए कहां तक जाएगी यह सीरीज, 50 तक यह सीरीज जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी संख्याएं हैं उन सभी का योग और जितनी संख्याएं हैं उन सभी का हम उसमें भाग लगा देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो पहले तो हमें इन सभी संख्याओं का योग चाहिए और टोटल संख्याएं कितनी है, संख्याएं हमारी 25 है। ठीक है, तो ये उनका योग कैसे निकालेंगे, जब योग करेंगे तो संख्याएं कितनी है, 2 + 4 + 6 + ऐसे ही 50 तक इनका योग है। इन सभी में से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। जब 2 कॉमन आएगा तो यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा और ऐसे ही यहां पर 25 बचेगा। ठीक है, अब 1 से लेके यह लगातार कंटिन्यू 25 तक संख्याएं हैं तो इनको जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n n + 1/2। ए वाला फॉर्मूला हम इस जगह फिट कर देंगे। यहां n की वैल्यू कितनी है, 25 है, लगा देंगे 2 बाहर था गुणे n की वैल्यू है 25, तो 25 लिख दिया और 25 और 1 26 हो जाएगा, तो 26/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा 25 × 26। यह क्या आ गया, यह योग आ गया। और संख्या कितनी थी, तो संख्याएं कुल संख्याएं थी 25। अब हमें औसत निकालना बहुत ही सिंपल है। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल योग कितना था, 25 × 26 और संख्याएं कितनी थी, तो संख्याएं थी 25। 25 से 25 कट जाएगा और औसत कितना बचेगा, औसत बचेगा 26। ठीक है, तो आपने देखा हमने कैसे इसको जो इसकी मेथड है उसे लगाया। अब इसका एक शॉर्ट तरीका और होता है। क्या होता है शॉर्ट तरीका, जैसे कि हमने देखा था संख्याएं कितनी थी, 25 थी, हमारा आंसर कितना आया, 26 आया। तो अगर आपको सीरियल से सम संख्याओं का औसत पूछ दे, ठीक है, अगर आपको सम संख्याओं का औसत निकालना है तो अब आप संख्या में 1 जोड़ दे दिए, वह उसका औसत हो जाएगा। जैसे यहां पर 25 संख्याएं थी तो हमने 25 में 1 को जोड़ा था और आंसर 26 हमारा मिल जाएगा। तो सम संख्याओं के लिए ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको सम संख्याओं का औसत निकालना है, वो भी सीरियल से होना चाहिए, 2 4 6 50, यानी जहां तक भी हो लेकिन 2 से लेकर इनको स्टार्ट होना चाहिए। तो जो भी ये संख्याएं आएंगी उसमें 1 जोड़ देंगे तो वह उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर n बराबर 25 था, संख्याओं की संख्या 25 थी, 1 जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया, 26 आ गया। ठीक है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी याद रखना है और लॉन्ग मेथड भी याद रखना है। ठीक है, और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।